घर पे हक किसका है? सबसे पहले हमरा। अगर तुमका देवी की शादी की जल्दी पड़ी है तो कराओ, लेकिन उससे पहले रुनझुन की शादी कराओ। और ये बात पत्थर की लकीर समझ लियो। पूछते हैं कि ई रिक्शा काहे भाड़े पे नहीं चढ़ाए आज? काहे नहीं चढ़ाए? अच्छा, मिठो मामी के काम करने के पैसे मिलते हैं का तुमको? हाँ, आए हाय बिल्लो, काहे उल्टा सीधा राजनीति कर रही हो? हमारा जरा सा काम कर दिए ये बोझा रानी तो कोनो पहाड़ टूट पड़ी हो का? मामी आप लोग परेशान मत होइए, हम दोनों का काम कर देते हैं। आए हाय, दोनों लोग का काम कर लेंगे, बढ़िया है, दोनों लोग का काम करने वाली। चलो चल के अंधेरी तर भरवाओ। रुनझुन कहीं नहीं जाएगी, इधर रहेगी, हमारा काम करेगी। ये रिक्शा को भाड़े पे चढ़ाएगी आज। चलो अंदर। कहाँ लेके जा रही है आप रुनझुन को? रुनझुन इधर आओ। अम्मा हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि रुनझुन किसका और कितना काम करेगी? जब देखो जब मिट्टू भाभी अपने काम करवाती रहती हैं। तो? जी अम्मा, ये रुनझुनिया के पास हरदम मिट्ठो जीजी के काम की लाइन रहते। अरे हम तो तंग आ गए हैं। बस अम्मा आप रुनझुनिया के काम का बंटवारा कर दो। तो तुम्हारी अम्मा ये न सिखाई कि ससुराल में औरतन के मामले में मर्दन को ना ही खींचा जात? जाओ दुकान पे बैठो। अम्मा माँ फिर एग्जाम में डांटती रहती है। पंटू जी बहुत बेशरम हो तुम सब लोग, खुद काम करे में नानी मरत है। अरे कहीं जाके डूब काहे नहीं मरत हो? बस बहुत हो चुका कुकुर सियार का खेल रुनझुनिया के साथ। अब सबसे पहले हमारी बच्ची का ब्याह हो ये इस घर में। किसकी गाड़ी है ये? गुड्डू शुक्ला का। अरे हटाओ इसे यहाँ से। नहीं हटेगी। अरे मुझे पता है कैसे हटेगी। बोल देना गुड्डू शुक्ला को भाई किधर खड़ी किया करे, समझे? राजा। अरे क्या राजा, जानते नहीं मैं कौन हूँ? रज्जू पांडे नाम है मेरा। भैया का मालूम हुए ना, चलो चक्का का हवा निकाल दी है। अरे क्या मालूम हुए भैया को? सतो फोन कर करके परेशान कर रहा है। अबे फोन काहे नहीं उठा रहा है? चोरन के जैसे भाग काहे रहे हो? चोर बोली तू? चोर बोली तो किसका फोन है? फोन है बे? तो धरिया धरिया का तो नहीं है? कौन धरिया नहीं है? फटक। तो जरूर कोनो कांड कियो होगे। कोई कांड नहीं किया है। गुड्डू शुक्ला पैसा मांग रहा है। सब लोग बोलेंगे समझे, गुड्डू भैया की जय बोलेंगे। गुड्डू भैया बोलेंगे तो गुड्डू भैया की जय बोलना। गुड्डू भैया की जय। तुम्हारी अम्मा जिंदा होती ना तो तुम्हारी शादी कराए देती। अब हमू ई चाहत है। ये देखो फिर शुरू हो गई तुम्हारी शादी की रामायण। हम गीला गमछी लाते हैं, तुम अपना पैर पोछ रहे हैं, हम कपड़ा प्रेस करेंगे। हम जानत है तुम्हारा दिल बहुत साफ है रुनझुन बिटिया। हमका माफ कर दे बिटिया, हमका माफ कर दे। तुमरे भोलापन की वजह से हम तुमका ये सच्चाई नहीं बता सकत हो कि तुम कितना भाग वाली हो। और अगर ये बात तुमरे मामा मामी को पता चल जाए तो तुम्हार पहले से ज्यादा बुरा हाल कर देगी। चलो टेंशन है का? तेरा बिष्णु पांडे पैसे नहीं दे रहा बे। बिष्णुआ की तो ऐसी की तैसी भैया, एक बार पकड़ाया गया ससुरा फोकट में मारा जाएगा। अभी आज उसको उसके हाथ में झुंझुना पकड़ा के आएंगे, तभी उस साले को पता चलेगा कि हम कौन चीज है।